ठगी की वारदात सामने आई है। दरअसल आरोपी ने महिला के साथ फर्जी ईडी और मुंबई क्राइम ब्रांच के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया और 3 महीने में 7,67,00,000 रुपए ठग लिए। अब यह मामला साइबर थाना झुंझुनू में दर्ज हुआ है। साइबर थाना प्रभारी डीएसपी हरिराम सैनी ने बताया है कि महिला के पास अक्टूबर में एक कॉल आया जिसमें बताया गया कि उसके आधार कार्ड से एक और नंबर चालू है। उस नंबर से अवैधानिक विज्ञापन और उत्पीड़न के मैसेज किए जा रहे हैं, इसलिए आपके खिलाफ आईपीसी की धाराओं में मुंबई पुलिस कार्रवाई करेगी। इसके बाद उसके पास एक मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के नाम से कॉल आया और एक व्यक्ति ने खुद को मुंबई पुलिस का एसआई बताते हुए स्काइप के जरिए ऑनलाइन मीटिंग के लिए कहा, जिसके बाद उस युवक ने कहा कि इस महिला की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि एक मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 20 लाख का लेन देन में महिला का नाम आ गया है। मामला अब ईडी के पास पहुंच गया है। इस तरीके से अलग अलग तरीके से डराकर अक्टूबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक महिला के पास से 7,67,00,000 रुपए अपने खातों में डलवा लिए। डरी सहमी महिला लगातार पैसे डालती रही। यही नहीं, उसे अपनी गिरफ्तारी का इतना डर हो गया कि उसने ना केवल जीवन भर के पैसे ठगों को दे दिए बल्कि बैंकों से लोन लेकर भी 80 लाख रुपए ठगों को दे दिए। ठग उसे मनी लॉन्ड्रिंग का केस सुप्रीम कोर्ट में हल होने और डिजिटल वेरिफिकेशन होने के बाद पैसा वापस लौटाने की बात भी कहती रही। फिलहाल साइबर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रकरण दर्ज हुआ है, एक पिलानी निवासी एक महिला के साथ साइबर ठगों ने ब्लैक मेल कर फेक रस्त कर और उससे 7,67,00,000 रुपए ठग लिए हैं। ये अपराध उनके साथ निरंतर अक्टूबर 2023 से लगा के जनवरी तक अभी तक चला। कल हमारे सामने ये उपस्थित हुई, हमने उस की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया है। उस महिला को इतना भयभीत कर दिया है कि आपके ऊपर ईडी की कार्रवाई हो रही है। मुंबई पुलिस है जो संदीप नाम के सब इंस्पेक्टर, कोई फर्जी कोई ठग था, संदीप नाम के व्यक्ति ने सब इंस्पेक्टर बन के मुंबई पुलिस का नाम लेके आपके विरुद्ध यह मुकदमा दर्ज हो रहा है, आप जेल जाएगी, ये मामला